नए रिश्ते बनाना आसान नहीं होता। यूं तो बीते कड़े अनुभवों की बेचैनी कई बार इतनी होती है कि ना ही हम दूसरों के करीब जाते और ना ही दूसरों को अपने ही नज़दीक आने देते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है नए रिश्ते संभालना। फिर आइए जरा देखते हैं कि नए रिश्तों में क्या कोशिश करें कि जो भी हो फिर वो प्रेम से ही हो, अब रिश्तों की कड़वाहट हमें ना झेलनी पड़े। आइए जरा उन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि हमेशा रिश्तों में उपस्थित रहें, किसी भी रिलेशन में अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखें। देखिए, कोई भी रिश्ता आपके पहनावे या रहन सहन से नहीं फलता फूलता, बल्कि रिश्ते में आपकी उपस्थिति मायने रखती। दूसरी बात, खुलापन का ध्यान दें, थोड़ा ओपन माइंडेड हों, दकियानूसी ख्यालों से अपने जीवन साथी या दोस्त को जकड़े नहीं, उसको भी फलने फूलने दें। कोई भी रिश्ता प्रेम की नींव पर खड़ा होता है, दिल के बंद दरवाजों से उसे महसूस नहीं किया जा सकता। तीसरी बात का ध्यान दें, ईमानदार रहें, झूठ ना बोलें। देखिए, रिश्तों में झूठ बोलने से रिश्ते खराब होते हैं। प्रेम संबंधों में जो आप हैं वह ना होकर दूसरों को कुछ और दिखाना गलत मैसेज देता है। चौथी बात है, सुनने को तैयार रहना। देखिए, हमें सुनना आना चाहिए। हम रिश्तों में बोलना तो जान जाते हैं लेकिन सुनना नहीं सीखते हैं। रिश्तों में सुनने को तैयार हों, अगर हमारी गलती है तो हम अपनी गलती को सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, ये बात समझने में कई साल लगे कि बोलने के साथ सुनना भी जिम्मेदारी है, और ये लोग सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। और पांचवी बात, दया भाव रखें, यानी कि दयालु बने। अगर सामने वाले से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ करें, थोड़ा सा दया भाव का रखें, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ ना जाएं, है ना, आसानी से लोगों को माफ़ करना सीखें। छठी बात है, दूसरों को समझें, यानी जो आपका जीवन साथी है, दोस्त है या जो भी कोई है, उसको आप समझें। अच्छा, प्रेम की भाषा सीखने के लिए सुनने का हुनर सीखना ज़रूरी है, और इसको हमने अभी दो पॉइंट पहले बताया भी है कि सुनना आपको आना चाहिए और सुनने को तैयार रहना चाहिए। और बड़ी बात कि जो सुना है उसे सही तरह से समझना भी आना चाहिए। सातवीं बात, सहयोग करने वाले बने, यानी कि कोऑपरेटिव बने। सहयोग का मतलब है दूसरों को कष्ट में देखकर उनकी समस्याओं पर उनका सलूशन देना, अपनी समस्याओं से थोड़ा सा निकल कर उनकी समस्याओं का भी समाधान करना। और आखिरी बात, माफ़ी देने वाले बने। देखिए, लगता आसान है पर होता मुश्किल है। हम माफ़ नहीं कर पाते, इवन दैट अपने आप को नहीं कर पाते, दूसरे को नहीं कर पाते। अरे भाई, गलती होना इंसान की फितरत है। अगर हो गई, जब भी दो लोग साथ आएंगे तो गलतियां और गलत फहमियाँ ज़रूर पैदा होती हैं। उस मामले में आप सामने वाले को माफ़ कर दें, गलती आपसे हुई, अपने वाले को माफ़ कर दें, माफ़ करें और रिश्तों में आगे बढ़ें। अगर आप इन आठ बातों का ख्याल रखेंगे तो याद रखिएगा, आगे से रिश्तों में जो भी होगा वो प्रेम से ही होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।